देहरादून में सीएम हरीश रावत आज आदर्श ग्राम योजना के संबंध में बैठक करेंगे। इसके बाद गांधी पार्क में विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी साल शुरू होने से पहले ही लोकायुक्त एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के तूफानी दौरे जारी हैं। राज्य के लोगों को मुफ्त इलाज देने वाली योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से अब उन अस्पतालों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं जिन्हें सरकार ने लोगों के उपचार के लिए पैनल दिया था। केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर सीबीआई के छापे के विरोध में देहरादून में आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। चंपावत जिला मुख्यालय के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोकायुक्त मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रोशनी से डरने वाली चमोली के कांडा गांव की दो बहनों को महंत इंद्रेश अस्पताल निःशुल्क इलाज मुहैया करा रहा है। विकासनगर के सैसपुर थाना क्षेत्र के टिमली गांव में धार्मिक स्थल पर निर्माण कार्य रुकवाने वाली पुलिस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पे छात्र छात्राओं ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। डिप्लोमा इंजीनियर्स के आंदोलन को अब विपक्ष का भी समर्थन मिलने लगा है। पिथौरागढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुपाल और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने धरना स्थल पर बैठकर अपना समर्थन दिया। प्रदेश भर में चल रही डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल को 15 दिन का वक्त गुजर चुका है। उत्तरकाशी में आपदा प्रबंधन तथा आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने को लेकर पुलिस लाइन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। काशीपुर शहर में नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत की है कि अब वार्डो में सफाई अभियान के दौरान खुद निगम की मेयर मौजूद रहेंगे। देहरादून से बागेश्वर संचालित होने वाली रोडवेज की बस के ड्राइवर की अज्ञात परिस्थितियों में मंगलवार सुबह मौत हो गई। कोटद्वार में उपजिलाधिकारी और नगर पालिका प्रशासन ने शहर को पॉलिथिन मुक्त बनाने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मिलकर रैली निकाली। दूध में तेजी से बढ़ रही शराब की अवैध बिक्री और गली गली हो रही तस्करी के खिलाफ एबीवीपी छात्रों ने विरोध दर्ज करवाया। टिहरी में बीएसएनएल सेवा बाधित होने के चलते बीजेपी कार्यकर्ता बीएसएनएल के टीडीएम को ज्ञापन सौंपने बीएसएनएल के मुख्य कार्यालय पहुंचे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में 2 सप्ताह से जारी पेयजल निगम कर्मियों का आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद नजूल भूमि की कॉलोनी में रह रहे लोगों का हाउस चेक जमा न करने से गुस्साए कांग्रेसियों ने रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में महोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। खटीमा में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी मांगों को लेकर यहां जोरदार प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय में 22 दिन से अनशन पर बैठे दंपति की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने के लिए नगरपालिका में बैठक हुई। रुड़की में जिला प्रशासन की बैठक में उस समय हंगामा मच गया जब लापता वार्ड बॉय परिजनों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। रुद्रप्रयाग की रहने वाली राजी देवी 28 साल से अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही हैं लेकिन पति का कोई पता नहीं है। देवप्रयाग में गंगा में मलबा गिराया जा रहा है। 2016 के कुंभ मेला क्षेत्र में कई बड़े निर्माण कराए जा रहे हैं। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कथाकार ईला चंद जोशी की पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। विकासनगर में एक ज्वेलरी की दुकान और क्लिनिक में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। रुद्रपुर में डीएम ने शीतलहर और सड़कों पर कम विजिबिलिटी को लेकर एक आपात बैठक बुलाई। बागेश्वर में प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों की समस्याओं को लेकर बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया।